अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए मैं बनाने जा रही हूँ काली मिर्ची लाल मिर्ची का दम का चिकन। आप लोग देख सकते हैं, चिकन को धो के साफ़ करके रख ली हूँ। ये काली मिर्ची है, ये लाल मिर्ची है, ये हल्दी पाउडर है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये कोथिमीर है, ये 6-7 हरी मिर्ची है, ये तेल है। चलिए मैं बनाने का तरीका बतलाऊँगी। अब मैं मसाले मिला लूँगी। मैं ये काली मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, ये मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, ये हल्दी है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तेल है, ये थोड़ा सा कोथिमीर है। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, मैं हाथ की मदद से पूरा अच्छी तरीके से मसाले को मिला लूँगी और मैं इसको एक आधा घंटा भिगने रखूँगी। ये काली मिर्ची लाल मिर्ची का दम का चिकन है। आप लोग देख सकते हैं, एक बार मेरी तरीके से आप लोग भी बना के देखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरा मसाला अच्छी तरीके से लगा दी हूँ, एक आधा घंटा रख दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, ये आधा घंटा हो चुका है, मैं मसाला लगा के रखी थी। अब मैं ये चूल्हे पर चढ़ा रही हूँ, ये मसाला भुने के बाद आप लोगों को बतलाऊँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, मेरा चिकन अच्छी तरीके से मसाले के संग भुने गया है। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी चिकन गलने के लिए। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, मेरा चिकन अच्छी तरीके से गल चुका है। आप लोग देख सकते हैं, ये काली मिर्ची लाल मिर्ची का दम का चिकन है। ये मैं कोथिमीर डाल रही हूँ दम पे, बहुत मज़े का बनता है। इसको रोटी के संगत भी खा सकते, खाने के संगत भी खा सकते। अब मेरा चिकन बन चुका है, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, मेरे सालन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मेरा सालन बन चुका है। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।